हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटेज एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीएल रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में, जो है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली एमपी का रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जो कि पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन ग्रेड सी, जिसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, और टेक्नीशियन कैटेगरी 3, जिसमें आईटीआई एलिजिबल है। तो डिप्लोमा और आईटीआई के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, जो देखिए नोटिस जो है नोटिफिकेशन है 14 जुलाई को ही आ गया था। तो यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ, कुछ अलग बताने वाला हूँ आपको। फॉर्म भरना जो है आपको 3 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। 3 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होगा भरना। तो इसमें मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूँ, जो ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो सारे चीजें बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, और सिलेबस आपको क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है इसका कुछ इम्पोर्टेंट बात है वो जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है असिस्टेंट फोरमैन के लिए डिप्लोमा जरूरी है, जो 3 ईयर का होना चाहिए डिप्लोमा, ठीक है, विथ 3 इयर्स, ओके। उसके बाद जो टेक्नीशियन है, इसका जो पोस्ट है वो आईटीआई में भी बहुत सारा पोस्ट डिसिप्लिन है उसके, वो सभी एलिजिबल है, जैसे फीटर, वेल्डर, ट्रेनर, ये सारे चीजें सब एलिजिबल है। तो इसमें चाहिए आपको मैट्रिकुलेशन के साथ आईटीआई विथ 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि एनसीबीटी एससीबीटी से आपको मिला होगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम जो है 18 और मैक्सिमम जो है 30 इयर्स का एज क्राइटेरिया है। इसमें ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, जैसे दिया जाता है एज रिलैक्सेशन, एससीएसटी को 5 ईयर का है, और पीडब्ल्यूडी को 10 साल से लेकर 15 साल तक एज रिलैक्सेशन रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 3 अगस्त को फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और 25 अगस्त तक फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म फिल करना है। एग्जाम फीस जो है वो है 500, और सिर्फ ये जनरल और ओबीसी के लिए है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एग्जाम फी नहीं लगने वाला है। और एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर सिंगरौली एमपी का एग्जाम सेंटर दिया गया है, और एक कोई रीजन यूपी का दिया गया है। और उसमें ये चीज बताया गया है कि जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट किसी स्टेट से किसी पर्टिकुलर जगह से अगर ज्यादा होते हैं कैंडिडेट, तो वहां भी एग्जाम सेंटर उन लोग दे सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एग्जाम सेंटर की आपको टेंशन नहीं लेना, आपको फॉर्म भरना है, वो अपने हिसाब से एग्जाम सेंटर आपको दे देंगे। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं मोड ऑफ एग्जाम, यानी एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा, जो बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन एग्जाम अच्छा होता है हमेशा से ही। मीडियम जो रहेगा, जिस क्वेश्चन जो जिस मीडियम में आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी। एग्जाम जो पैटर्न होगा वो होगा पार्ट ए 70 मार्क्स का, जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, और पार्ट बी जो रहेगा वो नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल जो क्वेश्चन होगा वो होगा 100, और ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, और टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट, यानी 1.5 आवर, 1.5 घंटे का टाइम इसमें आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा, और अच्छी बात है। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, जो आपको एग्जाम में कितना स्कोर करना है, तो जनरल और ओबीसी जो कैंडिडेट है उनको, सॉरी, सिर्फ जनरल और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उनको 50 मार्क्स या 50% जो है स्कोर करना है मिनिमम। मिनिमम की बात हो रही, मैक्सिमम की नहीं। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो है उनको 40 मार्क्स स्कोर करना है मिनिमम, इसमें ओबीसी भी है, ठीक है। तो मिनिमम ये बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप 50 मार्क्स या 40 मार्क्स ले लेंगे तो आपको
जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंपटीशन एग्जाम है, कट ऑफ हो सकता है 75 से ऊपर चला जाए, 70 से ऊपर चला जाए, या फिर 80 से भी ऊपर जा सकता है। तो उतना मार्क्स आपको आएगा तो ही वो कट ऑफ आप पार करेंगे तो ही आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये बोला जा रहा है जैसे कैंडिडेट अगर बहुत कम मार्क्स लाते हैं तो मिनिमम 50 मार्क्स जनरल के लिए और ओबीसी एससी एसटी के लिए मिनिमम 40 मार्क्स तो चाहिए। ओके, अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो आपको डिटेल सिलेबस जो है एनसीएल वेबसाइट पे पब्लिश होने वाला है, वहां पे तुरंत मिलेगा, तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा डिटेल में। फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ सिलेबस क्या रहेगा। और आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जो एनसीएल का वेबसाइट है वो आप लोग लिख लेंगे www.nclcil.in है। इस वेबसाइट पे आप विजिट करते रहेंगे, वहां पे आपको सारे चीजें की जानकारी मिलेगी। सिलेबस उन लोग डिटेल सिलेबस देने वाले हैं, फिर भी जो मोटा मोटी मैं बता देता हूँ, पार्ट ए जो होगा 70 मार्क्स का रहेगा और इसमें टेक्निकल सेक्शन रहेगा, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का रहेगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से क्वेश्चन रहेगा। और आपको डिटेल सिलेबस का अगर मैं बात करूं तो सिर्फ यहाँ पे मैं मैकेनिकल का बता रहा हूँ, तो मैकेनिकल का हो या सिविल या इलेक्ट्रिकल किसी का भी हो, जो भी सिलेबस आप एसएससी जेई में पढ़ते हैं या दूसरे एग्जाम में पढ़ते हैं वही सारे सिलेबस इसमें भी ऑलमोस्ट रहने वाला है। 5 से 10% जो है वो थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है सिलेबस में। मैं मैकेनिकल का जैसे आपको बता देता हूँ, टॉम सॉम एमडी, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक, पावर प्लांट इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सब सिलेबस रहने वाला है। जो कि आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे अगर विजिट करते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक भी दिया गया है ट्यूटलेज एकेडमी ऐप का, नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे आपको कोर्स को सब्सक्राइब करके, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे सब्सक्राइब करके, वहां पे आप टेक्निकल का अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है उसका फ्री में टेस्ट अवेलेबल है वहां पे, वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और पार्ट बी जो 30 मार्क्स का होगा, तो उसमें ये चीज बताया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस होगा, जनरल इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। अब जनरल इंटेलिजेंस में कुछ भी हो सकता है, जीएस जीके भी हो सकता है, जो कि डिटेल सिलेबस इन लोग देने वाले हैं। तो अभी से पूरा सिलेबस डिटेल में बता देना बहुत जल्दी ज्यादा जल्दबाजी होगी। तो आप लोग पहले फॉर्म फिल कीजिए, 3 तारीख जैसे आता है 3 अगस्त, उसके बाद आप लोग फॉर्म जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए ताकि आपको प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाए। मेंटल एबिलिटी मतलब होता है रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, और एप्टीट्यूड मतलब मैथ जो जनरल क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग के, वही सब आने वाले हैं, तो आपको सिलेबस मिल ही जाने वाला है। ओके, तो आप कुछ भी ज्यादा जानकारी के लिए आप उसका वेबसाइट जो है www.nclcil.in, इस वेबसाइट पे आप विजिट करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है उस पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है वेबसाइट का कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में वेबसाइट अवेलेबल है, ठीक है। तो और वहाँ पे नोटिफिकेशन भी हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों में अवेलेबल है, तो आप लोग डाउनलोड करके बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि क्या आपको चाहिए वहां से। तो ये आप लोग फॉर्म जरूर फिल कीजिए, क्योंकि एक चीज मैं बता देता हूँ ये इम्पोर्टेंट क्यों है डिप्लोमा वालों के लिए। सबसे अच्छी बात ये है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखा है वो डिप्लोमा पे है, यानी जो इंजीनियरिंग किए होंगे वो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ उनका डिप्लोमा होना जरूरी है। सिर्फ इंजीनियरिंग वाले फॉर्म नहीं फिल कर सकते, तो ये अच्छी बात है कि अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते तो यहीं पे कंपटीशन कम हो गया। तो आप इस एग्जाम का फॉर्म जरूर फिल कीजिए और एक अच्छे तरह से प्रिपरेशन कीजिए, ऐसा सोच के कि आपका लास्ट एग्जाम है और कैसे भी एग्जाम को क्रैक करना है। और फ्रेंड्स, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो जैसे मैं पहले ही बताया, आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, एनसीएल का भी टेस्ट सीरीज आगे प्रोवाइड करने वाले हैं, और फुल कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अवेलेबल है। जो कोर्स ज्वाइन करके मिनिमम अमाउंट पे एक ज्वाइन करके कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई हो, सेल ओसीटी हो, या फिर एनसीएल का एग्जाम हो, किसी भी पीएससी का एग्जाम, बहुत ही आसानी तरीके से कम टाइम में प्रिपेयर करके आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको जो भी अपडेट रहेगा वो आपको सारा चीज एनसीएल के रिगार्डिंग मिलते रहेगा, प्रिपरेशन कैसे करना है ये सब भी जानकारी आपको मिलेगा, फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी जानकारी आपको दिया जाएगा यहाँ पे। तो आप इस चैनल को से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं, आपका कोई भी कमेंट्स हो उसका रिप्लाई किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।